भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। मुसलमान लोग अपना जाने भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम अंट के संट में ही लगे रहोगे, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से इवोल्यूशन हुआ नहीं है, आदम जो है तुम्हारा पूर्वज है। कोई भी मुस्लिम मुस्लिम नहीं है अगर वो ईसा अलैहि सलाम में नहीं मानता। उसने कहा अगर इस्लाम दुनिया में ना आता, दुनिया गंदगी का ढेर होती। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, ये मुसलमानों का पहला वतन है। कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। If a person changes his religion from Islam to any other religion, the punishment should be death. हर चीज में इस्लाम क्या है, सुपीरियर है। हमारा तो अनपढ़ होना ही बहुत बड़ा सबब है। अरब देश का एक छोटा सा शहर मक्का उन दिनों व्यापार का केंद्र था और धार्मिक स्थान काबा की वजह से ये एक आदरणीय स्थान माना जाता था। काबा के इलाके में अलग अलग कबीलों की करीब 360 मूर्तियां थी। ये सब न केवल मूर्ति पूजक थे बल्कि मूर्ति पूजा की हिफाजत भी करते थे। इसी जगह पर जन्म हुआ था इस्लाम और अरब साम्राज्य के संस्थापक अबू अल कासिम मोहम्मद का। लेकिन इस्लाम की कहानी इनके जन्म के साथ शुरू नहीं होती। इस्लाम की कहानी तब से भी शुरू नहीं होती जब मोहम्मद ने 40 की उम्र में खुद के पैगंबर होने की घोषणा की थी। लेकिन नबुवत के बहुत साल बाद तक मोहम्मद मक्का के लोगों को ये यकीन नहीं दिला पाए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो केवल 70-80 लोगों को ही मुसलमान बना सके थे। जब मोहम्मद अपने पंथ का निर्माण कर रहे थे तब मक्का वासियों को मोहम्मद से ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मोहम्मद ने उनके देवी देवताओं का अपमान शुरू कर दिया तो ये मक्का के लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गया। तब मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उसके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। बहरहाल मक्का वालों द्वारा मुसलमानों का ये बहिष्कार करीब 2 साल तक चला। इससे मुसलमानों के सामने बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई। लेकिन तब तक मक्का वालों ने मुसलमानों को वहां से नहीं निकाला था। मोहम्मद ने ही मुसलमानों को मक्का छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ने मुझे आगाह किया है, यहां मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। इसके बाद भी उनके लोग मक्का छोड़ने से इनकार करने लगे तो उन पर एक धमकी भरी आयत नाजिल की गई। निसंदेह वे लोग जिनके प्राण फरिश्ते निकालते हैं, जो कुफर के देश में रहते हैं, क्या उनके लिए अल्लाह की धरती कम पड़ गई है? वे लोग यहां से चले जाएं, वरना वे नर्क में जाएंगे जो बहुत बुरी जगह है। इसके बाद भी कुछ लोग राजी नहीं हुए तो उन्हें लालच दिया गया जिसके लिए एक और आयत उतारी गई। जिन लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत यानी प्रस्थान किया अत्याचार सहने के बाद तो उन्हें संसार में अच्छा स्थान देंगे और परलोक में उनका इनाम बहुत बड़ा होगा। अगर वे जानते हैं वे इस्लाम को ना मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ ताकि तुम में और उनमें कोई फर्क ना रहे, इसलिए उनमें से किसी को भी दोस्त ना बनाओ जब तक वे अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। यदि वे ईमान लाने से इनकार करें तो उन्हें जहां पाओ उठा लाओ और मार डालो, और उनमें से ना तो किसी से दोस्ती करो और ना ही किसी को अपना मददगार बनाओ। अब मोहम्मद को अपने गिरोह के लिए आजीविका का प्रबंध करना था। उसने अपने साथियों को मक्का का कारवां लूटने को कहा और उन्हें आयत दी। अल्लाह ने ईमान वालों को उन काफिरों से लड़ने की यानी जिहाद करने की इजाजत दी है क्योंकि उन पर युद्ध फर्ज किया है। वे सताए गए थे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है। इस बीच मोहम्मद ने मुसलमानों को गैर मुसलमानों से लड़ने को उकसाने के लिए कई आयतें दी। ऐ रसूल, मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार करो, घबराओ मत, अल्लाह तुमसे वादा करता है यदि तुम्हारे साथ 20 भी होंगे तो 20 200 को मिटा देंगे, यदि तुम्हारी तादाद 100 होगी तो 1000 को मिटा देंगे। इन मोमिनों को समझाओ क्योंकि इनके पास समझ नहीं है। और इस तरह अल्लाह का नाम लेकर मोहम्मद ने भाई को भाई से लड़वा दिया, बेटे को बाप से लड़वा दिया और कबीलों के बीच की सद्भावना तहस नहस करके सामाजिक ताना बाना बिगाड़ दिया। मोहम्मद ने कुरान की ऐसी बहुत सी आयतें दी हैं जो मुसलमानों को इस दुनिया में और मरने के बाद दूसरी दुनिया में पुरस्कार का लालच देकर निर्दोषों पर हमला कर लूट के लिए उकसाती हैं। जैसे सूरह 48 की 20वीं आयत, अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है, अल्लाह ने ये माल तुम्हारे लिए भेजा है, तुम इस पर काबिज हो गए तो जितना चाहे लूट लो। मोहम्मद ने लूटपाट के बाद होने वाली आत्मग्लानी से बाहर निकालने के लिए कहा
कि युद्ध में जो भी तुम्हारे कब्जे में आए उस पर मौज करो, वो सब जायज और अच्छा है। कुरान की सूरह 22 की 39वीं आयत, जिसमें अल्लाह जंग यानी जिहाद करने की इजाजत देता है, ये वही आयत है जिसे ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को धमकी भरे खत में सबसे ऊपर लिखा था। अल्लाह में विश्वास करना एक बात है और हमला करना, लूटपाट करना और लोगों की हत्याएं करना अलग बात है। आज भी ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर दूसरों की हत्या करना या जंग करना ठीक नहीं मानते। ऐसे उदार अनुयायियों के दिमाग में कट्टरता भरने के लिए मोहम्मद ने अपने अल्लाह से हुक्म जारी करवाया, मुसलमानों तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। ये कोई अजूबा नहीं है कि तुम किसी चीज यानी जिहाद को नापसंद करो, कि वो किसी के हक में बुरी है या वो तुम्हारे हक में भली है। अल्लाह तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते हो। मोहम्मद ने अपने आदमियों को हमले में बंदी बनाई गई औरतों से बलात्कार करने की इजाजत दी थी। यहां पर मोहम्मद ने जिहाद में पकड़ी गई औरतों के साथ दुष्कर्म करने से रोका नहीं। कुरान में मोहम्मद के अल्लाह ने गुलाम औरतों अर्थात लूट के माल के बंटवारे में अपने हिस्से की बंदी औरतों के साथ यौनाचार को जायज बताया। यही है इस्लाम का इतिहास, कबीलों की लूट और इंसानियत के कत्लेआम से भरा हुआ। अगर इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल से जानकारी चाहिए, इस्लाम के इस इतिहास की पूरी जानकारी जफर के चैनल पर मिल जाएगी। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक। मैंने इस्लाम को क्यों छोड़ा था और क्यों मैं एक एथीस्ट बना? मैंने नोटिस किया कि हर जगह साइंस जबरदस्ती घुसाया जा रहा था। कुरान की बकवास आयतों के मतलब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही थी। उसके बाद तो मैंने इस्लाम को बहुत डीप में पढ़ा और अब मुझे पूरा खेल समझ आ गया था। ये एक बिजनेस था जिसे बनाए रखने के लिए कुछ लोग इस पर काम कर रहे थे, जो सच बोलने वालों की जान भी ले लेते हैं और वो भी इसी सिस्टम के थ्रू। याद रहे, ये लड़ाई एक ख्याल से है, एक आइडियोलॉजी से है जो इंसानियत के खिलाफ है। ये भी याद रहे कि लड़ाई अगर लोगों से हो तो उसे उन लोगों को मारकर जीता जा सकता है, लेकिन लड़ाई अगर किसी ख्यालात से हो तो उसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और अगर जीत सच्चाई की ना हो तो समझो कि लड़ाई अभी बाकी है। तो आइए मेरे साथ और खड़े हो जाइए अपनी जनरेशन को एक सुनहरा कल देने के लिए। सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरा पैगाम सही जगह पहुंचाने में मेरी मदद करें, ताकि आने वाला कल इंसानियत का कल हो और साइंस का कल हो। हाँ भाई, मोमिन भाई, अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से। सबसे पहले जो मैं बस कुछ कहना चाहूंगा, कह सकता हूँ? जी जी, कहिए कहिए। देखें, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम अक्सर बात करते हैं मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम समाज के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि जो मुस्लिम समाज है वो एक बहुत ही एक पिछड़ा हुआ समाज है और एक पिछड़ा हुआ सोच रखता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा और तमाम जो आपके सुनने वाले नज़रियाती लोग हैं, कि इस्लाम जो है वो एक मुल्क या रियासत तक सीमित नहीं हो सकती। एक इस्लाम जो है वो पूरे दुनिया की बात करता है। तो लेकिन जिस तरीके से एक हिंदुस्तान शहरी को हमें बदनाम किया जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ ये समझते हैं, उनका मोटिव यह है कि वो गजवा हिंद करेंगे, या तो इस तरीके से हमें बदनाम करने की जो साजिश है, मैं ज़रूर इस पर मैं कहूँगा कि आप लोग जितने भी अमित तिवारी सर हुए, जितने भी पैनलिस्ट हैं, इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि इस मुल्क को और जिस तरीके से एक शहरी को जो 14-20% के आसपास है उसको बदनाम कर एक पार्टी जो सत्ता में काबिज होना चाहती है, जो यह चाहती है कि किस तरीके से वो पावर गेन कर सके। हमें मस्जिदों में ये नहीं सिखाया जाता कि आप कैसे हिंदुओं को मारो, किस तरीके से हिंदुओं पे का, हमें ये सिखाया जाता है कि आप नमाज पढ़ो, आप रोजा रखो, आप जिंदगी में अच्छे काम करो। हमें ये सिखाया जाता है। भारत के मुस्लिम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को, गांधी जी को, नेहरू जी को बहुत इज्जत अजमत रखते हैं। वो इतनी इज्जत अजमत रखते हैं कि वो किसी और को इतनी इज्जत अजमत नहीं देते। आज भी भारत के कई सारे मुस्लिम के घर में आज भी उनकी महात्मा गांधी जी कहा जाता है। यार मत करो भाई, चलो थैंक यू भाई। मैं तो सोच रहा था, मैं कब से, मतलब यार आपने तो इतनी तारीफ कर डाली यार इस्लाम की और मुसलमानों की, मेरे को तो लगा भाई मैं किसी और ग्रह में बैठा हुआ हूँ यार। औरतों के साथ में इस्लाम ने क्या नहीं किया है? चार मर्दों की गवाही इस बात के लिए मांगी है कि तेरा रेप हुआ, इसको साबित कर दे। 9 साल की लड़की आयशा को जिस आदमी ने रेप किया उसको आप अपना रसूल कहते हो, आप यहाँ पे आके लोगों को बता रहे हो ऐसी चीजों को? हाँ, आइसिस किसने पैदा किया है?
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ले जाके किसने ठोका है? अल्लाहू अकबर को बोल के कहां कहां पे लोगों लोग जाके फटे हैं भाई। इस देश ने इस्लाम का जो आतंकवाद है उसका नंगा नाच उस शहर में देखा है जहां पे मैं रहता हूं। पड़ोसी मुल्क से इस्लाम के नाम पे आ गए थे 20-25 लौंडे और 3 दिन तक इस शहर को उन लोगों ने गुलाम बना के रखा है। क्या चिल्लाते घूमे थे उस समय? इस देश का मुसलमान कहां था कि भाई ये जो इस्लाम के नाम पे तुम ये सब कर रहे हो? आप हमको बाबा साहब की गवाही मत दो, आपको पता भी नहीं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है भाई, आप मुस्लिम जो उम्मा है ना सिर्फ उसी को जानते हो, आप हमको क्या बता रहे हो सर? और आप ना पेट्रोनाइज तो मेरे को तो एटलीस्ट आप मत करो, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का पूरा नैरेटिव वहीं पे बिगड़ता है। हमारे ऊपर ये बात की तोहमत लगती है तुम जय भीम जय मीम वाले हो। भाई हम सिर्फ जय भीम वाले हैं, ठीक है? हमको जय मीम से कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में दुनिया के सारे रिलीजन ना कचरा है, दुनिया के सारे रिलीजन बीमारी है, फोड़ा फुंसी होंगे, इस्लाम कैंसर है भाई। आपने क्या नहीं किया है? हाँ, पूरी दुनिया में उठा के आप देख लो, हर देश में जहां पे मुसलमान जो है वो आबादी में कम है वो ये बात को करता है कि वो देश सेक्युलर होना चाहिए। जहां उसकी आबादी जब ज्यादा हो जाती है वो देश से जो नॉन मुस्लिम है वो गायब होने चालू हो जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और उसके बाद में पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है कि भाई देखो इस्लामोफोबिया, यानी ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मतलब एक आदमी किसी औरत को किडनैप करे, उसको उसके घर ले जाए, रात भर उसका रेप करे, इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे इस पूरी दुनिया को इन लोगों ने मतलब पूरा बांट के रखा हुआ है, ठीक है? मेरे मुंह से ना बहुत कड़वी बातें निकल सकती सर, और चलो मैं थोड़ा निकाल भी देता हूँ, मेरे को घंटा किसका फर्क पड़ता है। मेरे को चूतिया येड़ा समझ के रखे हो सर? यहाँ पे आके मौके पे चौका मत मारना सर, ठीक है? मोहम्मद के अच्छे तरीके से पेंट में उतार सकता हूँ। क्या क्या नहीं होगा उस आदमी ने, हद कर दिए यार। वो रसूल के कारनामे ऐसे ऐसे हैं भाई। मारियल किप्तिया, सफिया, सफिया तो जो है मतलब उसके पति को एक दिन पहले मारा है जंग में मोहम्मद ने, अगले दिन उससे शादी करी है। सोचो भाई, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ इधर। कहां से लाएगी कोई औरत यार 4 गवाह? मतलब 5 आदमी वहां पे खड़े होंगे, जो पांचवा है उसका रेप करेगा, चौथे वो जो 4 आदमी वो देने जाएंगे गवाही के हाँ ये लड़की सही बोल रही है। और अगर वो ठीक नहीं बोली तो उसको 80 कोड़े मार दो बोल रहा है। अरे घंटे में गई तुम्हारी मोरालिटी भाई, सिर्फ इस एक आयत पे थूकता हूं मैं तुम्हारी कुरान पे। ये एक आयत अगर मेरे सामने आ गई ना इसी पे थूका मैं, चलो हद कर दिए यार। यहाँ आके तो बाप रे, मेरे को तो ऐसा लगा मैं मंगल ग्रह पे आ गया हूँ यार कहीं। यहाँ पे मुसलमान बहुत अच्छा आदमी है। मुसलमान लोग अपना जाने भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम अंट के संट में ही लगे रहोगे, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से इवोल्यूशन हुआ नहीं है। आदम जो है तुम्हारा पूर्वज है, उसके बाद सारे के सारे जो है ना सब BC MC ये लोग बना के रखे उनके बच्चों को। इवोल्यूशन उनकी नजर में ये है। सर मुझे सबसे बेकार बात ये लगी, जैसे हमारे एरिया में जो मुस्लिम है सर, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि जो दिखने को तो काफी खुद को सेक्युलर दिखाएंगे, लेकिन उनके छोटे बच्चे जो अभी फर्स्ट सेकंड क्लास में हैं, थर्ड क्लास में हैं, जो बच्चे अभी खुद से मदरसा नहीं जा सकते, उन बच्चों को स्कूल के टाइम के बाद, या तो स्कूल अगर 10 बजे के हैं तो सुबह 8 से 9 की शिफ्ट, 9:30 की शिफ्ट, या 7:30 बजे, या फिर शाम को उनके माँ बाप मदरसे में ले जाते हैं, जब ऑलरेडी वो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। मदरसे में क्या शिक्षा भाई, ये कहते हैं इल्म सिखाएंगे। तो जो बच्चों को जो बिल्कुल ही कोरा कागज की तरह उनका दिमाग होता है, उनमें क्या भरा जा रहा है, मदरसों में क्या सिखाया जाता है, क्या ऐसी शिक्षाएं बाकी रह जाती हैं स्कूल जाने के बाद जो आपको मदरसे में भेजने की जरूरत पड़ जाती है इतने छोटे से बच्चों को? तो जब मदरसों में जाते हैं और मदरसों की शिक्षा मिलती है तो फिर वो क्या बनेंगे? ये कट्टरता उनके अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? जा ही रही है भाई। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी एक धर्म के लोगों को खुश करना नहीं है, ना ही मेरे इस वीडियो का मकसद किसी एक धर्म के लोगों को जलील करना है। मेरे इस चैनल के हर एक वीडियो का मकसद सभी धर्मों की जहालत से परे मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करना है।